हूँ आपका होस्ट आहिर, आपके लिए प्रोग्राम्स का नाम है साइबर रिव्यू। साइबर रिव्यू में हम टॉप ट्रेंड ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल वेबसाइट की हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, पिंटरेस्ट के हो, ट्विटर के हो, फेसबुक के हो, और कोई भी ऐसी सोशल वेबसाइट हो जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसकी ट्रेंडिंग पता नहीं चल पाई। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक यूजर हैं तो आपको फेसबुक की ट्रेंड्स पता चल पाते हैं, लेकिन कोई आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला होता नहीं है। और अगर आप यूट्यूब की बात करते हो तो यूट्यूब के ऊपर एक बार आ रहा होता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको ट्रेंड्स दिख जाते हैं, लेकिन कोई ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला नहीं है। अब चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोई ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला नहीं है कि भाई आज के दिन क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो कोई तो होना चाहिए ना जो आपको बताए कि भाई ट्रेंड्स बेसिकली चल क्या रहे हैं। यार सिर्फ आपको जगाना चाहिए। ट्विटर के ऊपर चलते हैं। ट्विटर के ऊपर भी बेसिकली ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई आज के दिन ट्रेंड क्या चल रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ, आपका भाई आ गया है, और आपको बताएगा कि भाई आज के दिन ये चीजें ट्रेंडिंग चल रही हैं साइबर रिव्यू के अंदर और किसी भी सोशल वेबसाइट के ऊपर। तो चलते हैं यूट्यूब को डिस्कस करते हैं। आज के दिन यूट्यूब के ऊपर नंबर 10 के ऊपर चीज चल रही थी, जो बंदा आपसे उधार लेता है और उधार वापस करता रहता है। एक वीडियो जुनैद अकरम ने बनाई है, जुनैद अकरम छाए हुए हैं अभी जरा जो 3 नज़र लोगों में, और जुनैद अकरम कराची वाइंस और बेकार वाइंस की कोलैबोरेशन में एक वीडियो बनी है, जो कि उन्होंने दिखाया कि भाई वो एक बेसिकली एक ऐप की प्रमोशन की गई है, और प्रमोशन करने के बाद ऐप का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि भाई जुनैद अकरम साहब ने जो है वो जिस तरीके से ऐड की प्रमोशन की, और एट दी एंड वो बोलते हैं कि भाई पैसे तो मैं 3 हज़ार नहीं दूंगा, और पैसे नहीं देते हैं वो, चले जाते हैं, इस दुनिया से ही चले जाते हैं वो, और पैसे वो अभी भी नहीं देते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो झूठ तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, अभी भी वो नंबर 10 के ऊपर अवेलेबल है। अब हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ। आज के दिन नंबर 9 के ऊपर चीज ट्रेंडिंग में चल रही है वो है बागी टू का ऑफिशियल ट्रेलर, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। और हुआ कुछ यूँ कि भाई ये ऑफिशियल जो इसका ट्रेलर है, हुआ कुछ इसके साथ फैसले कुछ इसके दिए हुए हैं कि नंबर 1 के ऊपर था। मेरे पिछले एपिसोड अगर आपने मिस कर दिए तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि नंबर 1 के ऊपर ट्रेंडिंग था। नंबर 1 के बाद अब ये नंबर 9 के ऊपर आ चुका है, तो कुछ इस तरह के सिलसिले हुए हैं इसके साथ। अगर आपने नहीं देखा है इसका ट्रेलर तो जाके देखिए। वही की थे पिछली बार की तरह, इसमें अंदर दिशा पटानी है, टाइगर श्रॉफ है, और मज़ा आने वाला है। इससे पहले बागी 1 में चलते हैं, तो इसके अंदर जो है के अंदर दिशा पटानी तो नहीं थी, लेकिन श्रद्धा कपूर जो रहती, इसका एक डायलॉग था कि सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, तो इस तरह कुछ डायलॉग था जो टाइगर श्रॉफ से बोला नहीं गया, और उन्होंने जो भी पूरा कर सकते थे वो सबको किया। सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, लेकिन उनका डायलॉग था कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो ये कुछ इस तरह के इनके डायलॉग होते हैं बचपने वाले, जो कि बच्चों को पसंद आते हैं और बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। आज के दिन नंबर 8 की वजह चीज ट्रेंडिंग में चल रही है श्रीदेवी की एक वीडियो। श्रीदेवी की एक वीडियो लॉन्च हुई थी, जो उनकी फ्यूनरल की वीडियो थी, और उनके चेहरे की पिक्चर ली गई, और पिक्चर लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, यानी यूट्यूब के ऊपर भी और किसी भी सोशल वेबसाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। फेसबुक की बात करते हैं तो जी हाँ, फेसबुक के ऊपर वायरल हो गई थी, और ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर के ऊपर भी वायरल हो गई थी, और अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर वायरल हो गई थी। यानी तमाम सोशल वेबसाइट के ऊपर इनकी जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, और ये नंबर 8 के ऊपर ट्रेंडिंग में थी। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। आज के दिन नंबर 7 की जो चीज़ ट्रेंडिंग कर रही है नूरुलैंड का एपिसोड नंबर 5। तो नूरुलैंड का एपिसोड नंबर 5 इस वजह से ट्रेंडिंग चल रहा है कि बेसिकली सेटेलाइट के ऊपर लोग उसको नहीं देख रहे हैं, वो आते हैं यूट्यूब के ऊपर एंजॉय करते हैं, यूट्यूब के ऊपर बैठ जाते हैं, आकर यूट्यूब के ऊपर नहीं बैठते, यानी अपने बेडों के ऊपर बैठ जाते हैं और यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद यूट्यूब एंजॉय करते हैं, यूट्यूब के मजे उठाते हैं, यूट्यूब के लुत्फ उठाते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर बिना ऐड के वो कोई भी ड्रामा देख लेते हैं। नूरुलैंड इज ट्रेंडिंग नंबर 7। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये बेइश्क, ये बेसिकली एक गाना है, लेकिन उसके बाद अगर हम दूसरे चीज़ की बात करें तो लाल इश्क एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसका एपिसोड नंबर 21 इज ट्रेंडिंग। बेसिकली ये कलर्स चैनल का एक ड्रामा है, जो कि एक इंडियन चैनल है, और ये ट्रेंडिंग कर रहा है, इसको लोग पाकिस्तान में देखते हैं, और नंबर 6 के ऊपर ट्रेंडिंग है आज के दिन। और हो कुछ यूँ रहा है इस पूरी वीडियो के अंदर, हो कुछ यूँ रहा है कि भाई वीडियो तो खैर नहीं है, ये ड्रामा सीरियल है, पूरा लाल इश्क का चल रहा है। संडे में से किसी एक दिन चाहता है, मैंने इसको ड्रामे को पूरी तरह नहीं देखा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ड्रामे के अंदर हो क्या है, लेकिन लाल इश्क एक ड्रामा है, ये नंबर 21 के अब तक रिलीज हो चुका है, और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर आप सेटेलाइट की बात करो, सेटेलाइट के ऊपर भी ट्रेंडिंग है, क्योंकि सेटेलाइट के अलग व्यूअर्स होते हैं, यूट्यूब के अलग व्यूअर्स होते हैं, यूट्यूब के बेसिकली ज़्यादातर यंग व्यूअर्स होते हैं, और अगर आप सेटेलाइट की बात करते हो, सेटेलाइट पर आंटी अंकल ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हम अपना वक्त जो है वो टीवी पे गुजारेंगे, इस वजह से वो आके यूट्यूब के ऊपर इन्जॉय नहीं कर पाते, और जो यूट्यूब के व्यूअर्स होते हैं वो थोड़े यंग होते हैं। हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। जाने दो ना पास आओ ना
आगे नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक गाना है मिलो ना, एक गाना है, एक आज जैसे एक बिलोनी गाना सुना था, सही होनी गाना सुना था, लेकिन ये मिलो ना गाना मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसने गाया है, लेकिन म्यूजिक फैक्ट्री ने गाना गाया है, पंजाबी सॉन्ग है और ये गाना इतना ट्रेंडिंग चल रहा है म्यूजिकली भी कि आपकी सोच है मिलो ना करके गाना है, कल मैं आपको उस गा के सुनाऊंगा कि मिलो नी घर आ जाए, ऐसा नहीं है ये भाई, वो कुछ और था। तो मिलो ना ये जो गाना है नंबर 5 के ऊपर ट्रेंडिंग है, अगर आपने नहीं सुना तो जाइए जाके सुनिए, और आज भी ये नंबर 5 के ऊपर ट्रेंडिंग है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, आज के दिन नंबर 4 के ऊपर चीज ट्रेंडिंग है वो खामोशी का एपिसोड नंबर 2। खामोशी ड्रामा है जिसका एपिसोड नंबर 2 आते ही रिलीज हो गया, एपिसोड नंबर 2 4 के ऊपर ट्रेंडिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आगे जाके एपिसोड जब जब कोई भी ड्रामा हिट होता है तब जाके उसकी रेटिंग्स बढ़ती हैं, तब जाके वो ट्रेंडिंग में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आते ही छाने वाला। अब चलते नंबर 3 की तरफ, आज के दिन नंबर 3 के ऊपर जो चीज ट्रेंडिंग है वो है बीबीक्यू वाइंस। भुवन बाम को तो आप जानते ही होंगे, भुवन की बाम की एक वीडियो आई है, भुवन बाम की एक वीडियो आई है जो कि उसके अंदर हुआ कुछ यूँ है कि भाई उनकी सोमव्रत इनकी कुछ मूवी का नाम है और उसमें वो चुप हैं बीबी और उसमें कुछ बोलते नहीं हैं, और जो है उनके दोस्त जो है भनचोड़ दास वो तफरियां कर रहे होते हैं, और जो एक और दोस्त है उनके समीर वो भी बहुत ज़्यादा तफरियां कर रहे होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जाके देखिए, आपको मज़ा आएगा उनकी उनकी वीडियो देखने में, और जिस तरीके से वो जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई है वो बहुत मेहनत से बनाई है और अच्छी भी, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी आपको कहीं ना कहीं तो पसंद आएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, आज के दिन नंबर 2 के बाद जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है वो पाकिस्तान सुपर लीग। आए सारे सारे के सारे ये जमीन पे देखो तारे, अली जफर के गाना मुझे बहुत पसंद है। तो चले PSL की तरफ चलते हैं, PSL की हाइलाइट्स। PSL एक ऐसी चीज़ है जो कि फेसबुक के ऊपर मैं सिर्फ PSL बताता हूँ, ट्विटर के ऊपर भी मैं फेसबुक बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि साइबर रिव्यू कम और ये PSL रिव्यू ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हर जगह सिर्फ PSL और PSL की हाइलाइट्स जो है ये नंबर 2 के ऊपर ट्रेंडिंग है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जाके देखिए। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ, और नंबर 1 के ऊपर जो चीज़ ट्रेंडिंग हुआ, इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर का एक मैच हुआ था जिसके अंदर एंड्रयू रसल ने एंड में सुपर ओवर के अंदर छक्का मार दिया था, और जिस तरीके का मैच हुआ है अल्लाह माफ़ करे, इतना आउटस्टैंडिंग मैच जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, PSL का बेस्ट मैच हुआ है जो कि ट्रेंडिंग कर रहा है नंबर 1 के ऊपर। अगर आपने हाइलाइट्स मिस कर दिया और आपने मैच मिस कर दिया तो उसका मतलब आप क्रिकेट के फैन नहीं है, क्योंकि आपने मिस कर दिया है मैच, आप जाके देखिए नंबर 1 के ऊपर ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो अब हम चुन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं आपका के बताऊंगा कि भाई आज के दिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि फेसबुक के ऊपर ट्रेंडिंग और आपको मालूम होनी चाहिए, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।